हेलो, क्लास सेवेंथ सब्जेक्ट मैथ। देखो देखो बच्चों, पिछला दो चैप्टर लगभग क्लियर है, आप लोग सभी जानते हैं। आज हम थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं, डेसिमल। डेसिमल क्या होता है इससे आप परिचित हैं। डेसिमल आर फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन होता है इसका डेनोमिनेटर 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, 1 लाख हो, यानी ये 1000 हो। फॉर एग्जाम्पल 2/3, ये डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है। 2/10 कर दें तो ये डेसिमल फ्रैक्शन है। 2/100 कर दें, डेसिमल फ्रैक्शन है। 3/1000 कर दें, ये डेसिमल फ्रैक्शन है। तो कहने का मतलब है कि ऐसा फ्रैक्शन जिसका डेनोमिनेटर 10 का पावर नेचुरल नंबर हो, कुछ भी ले लो, ए, वेयर एन बिलोंग्स टू एन, छोड़ दो, हटा दो, एन इक्वल टू 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, बढ़ते जाएगा, यानी जिसका डेनोमिनेटर 10 का मल्टीपल हो, 10 यानी 10 का पावर 1 यानी 10, 10 का पावर 2, 10, तो ये कहलाता है डेसिमल फ्रैक्शन। बाकी कुछ है नहीं, यही है, जिसका जिस फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर क्या हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, 1 लाख हो, 10 लाख हो, 1 करोड़ हो, इसी को बोलते हैं हम लोग डेसिमल। डेसिमल का टाइप सा होता है, लाइक डेसिमल, लाइक डेसिमल क्या होता है, डेसिमल फ्रैक्शन हैविंग सेम नंबर ऑफ डेसिमल पैलेस। ये लाइक फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे 2/10 कर दें एंड 3/10 कर दें, तो यहां पर क्या है, 10 है, तो ये लाइक डेसिमल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 0.2, इसको लिख सकते हैं 0.3, तो ये कहलाता है लाइक डेसिमल। इसका ठीक अपोजिट होता है अनलाइक डेसिमल। डेसिमल फ्रैक्शन having different numbers
ऑफ डेसिमल पैलेसेस. फॉर एग्जाम्पल 3/10 दूसरा ले लेते हैं, 2/100 डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो इसको बोलते हैं अनलाइक. कुछ है नहीं, ये बिल्कुल इजी है. आप लोग पिछले क्लास में आप लोग जानते हैं. अब जैसे कुछ क्वेश्चन को उठाते हैं, जैसे हमने ले लिया 3/5 डेसिमल फ्रैक्शन है, डेसिमल है नहीं है, कारण किसका डिनोमिनेटर 5 है. अगर हम 3/10 कर दें तो ये डेसिमल फ्रैक्शन है. तो इसको डेसिमल में लिखने का मतलब है कि 3 में डिवाइड हो रहा है 10 से, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.3. ये फ्रैक्शन है और क्या है ये डेसिमल. सपोज करते हैं 2/5/10 तो इसको लिख सकते हैं हम क्या 2.5. हम समझते हैं कि आप लोग इसको जान रहे हैं. ये बहुत ही इजी है. एक्सरसाइज 3.1 लेते हैं. कह रहा है कन्वर्ट डेसिमल इनटू फ्रैक्शन. पहला क्वेश्चन 0.8 ये डेसिमल में है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. तो यहां पर देखो डेसिमल है, डेसिमल के लेफ्ट में जीरो है तो इसका कोई मतलब नहीं है. डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो इसको हम लोग लिखते हैं 8/10. 10 से 8 में डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा ही, बस यही करना है. दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं 2.25 ये डेसिमल है, इसको फ्रैक्शन में बदलना है. तो डेसिमल यहां पर है, डेसिमल के लेफ्ट में क्या है 2 है, यहां 0 था तो कुछ नहीं किए हैं, 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2+0.25. तो ये 2 तो 2 रहेगा और ये हो जाएगा 2.5. डेसिमल के बाद कितना 1, 2 डिजिट है तो डेसिमल हटाएंगे तो 1/20 आ जाएगा. इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2.25. इसको हम एक्सप्लेन करके बनाए थे, आप इसको डायरेक्टली बना सकते हैं. 2.25 डेसिमल के राइट में देखते हैं 1 और 2 है, 1 और 2 है ना, तो इसको क्या करेंगे कि 1/20 लेंगे और यहां 2 लिखेंगे 5 लिखेंगे, ये डेसिमल नहीं लिखेंगे, वही आंसर आएगा. दूसरा क्वेश्चन लेते हैं 1.75 डेसिमल के राइट में चलते हैं, 1 डिजिट है डेसिमल के राइट में, 1 डिजिट 1/10 और यहां पर लिखेंगे 1.75. आप इस मेथड से बनाओ चाहे पिछले मेथड से बनाओ दोनों सेम ही है. एक और लेते हैं
0.524। इसको हमको क्या करना है, फ्रैक्शन में लिखना है। तो फ्रैक्शन में लिखना है तो डेसिमल के बाद 1, 2, 3 यानी 1 लिखेंगे, 1, 2, 3 और ये पूरे नंबर को लिख लेंगे 5, 2, 4। क्लियर। यहां 0 है तो 0 का जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन यहीं पर 0 के जगह पर 2.524 रहे, डेसिमल यहां पर है तो डेसिमल के राइट में चलते हैं 1, 2, 3 तो यहां पर लिखेंगे 1, 2, 3। यहां 0 था तो 0 नहीं लिखे हैं, लेकिन यहां पर 2 है तो यहां पर लिखेंगे 2, 5, 2, 4। चेंज हो गया, बात समझ में हम समझते हैं कि आ रही होगी। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3.123 ये डेसिमल में है, इसको फ्रैक्शन में लिखना है तो डेसिमल के राइट में चलते हैं 1, 2, 3 इक्वल का साइन देंगे, डिवाइड का साइन 1, 1, 2, 3 यानी 3, 0 और यहां पर लिखेंगे 3, 3, 1, 2, 3। अगर हम यहां पर डेनोमिनेटर में लिख देते हैं तो ये पॉइंट यहां पर नहीं रहेगा, इससे इसको डिवाइड करने पर इतना आंसर आएगा। दूसरा लेते हैं, कन्वर्ट इनटू डेसिमल। पिछले क्वेश्चन में क्या था, डेसिमल में था, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था, यहां फ्रैक्शन में देंगे उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। जैसे 29/10 क्या करना है, 10 से डिवाइड कर देंगे इसमें। तो एक प्रोसेस ये है कि 10 से हम 29 में करेंगे, 220 माइनस करेंगे 9, यहां डेसिमल आएगा, ये 0 आ जाएगा 9, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2.9। सिंपल है। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, (15) integer 1/8 मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको फ्रैक्शन में लाना पड़ेगा, इसमें इसमें गुना करो, फिर प्लस करो, फिर लिखो, फिर 8 से डिवाइड करो। आसान तरीका बताते हैं, 15 integer 1/8 का मतलब क्या हुआ, 15 + 1/8। अब 1/8 का मतलब क्या है, 8 यहां डिवाइजर है, 1 डिविडेंड है, कहीं रफ कर लेते हैं, ये 8 है, ये 1, ये 1 है, यहां डेसिमल लेंगे, मालूम है, मालूम होना चाहिए, 5-6 में पढ़ाया जाता है, 8 1 जा 8 2, यहां पर 0 आता है, 8 2 जा 16, 4 फिर 0 आएगा 5, यानी ये हो जाएगा 15 + 1, 2, 5, ये हो जाएगा 15, 1, 2, 5, बिल्कुल इजी है। तो आज यहीं तक रखते हैं, अगले क्लास में इसको और बताएंगे, इसमें कुछ है नहीं, बताने लायक है नहीं, तो इसको आप लोग बनाइएगा, क्वेश्चन नहीं समझ में आए व्हाट्सअप कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में या उसी समय व्हाट्सअप पर बताएंगे। थैंक यू।